दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं हैदराबाद के वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक प्लेसेस में। अभी हम लोग है चार मीनार और यहाँ पर भाई आप लोग देख सकते हो भाई, जैसे हम लोग के कोलकाता में भाई स्प्लेनेट मार्केट पूरा लगता है ना भाई, पूरा वैसा ही मार्केट है पूरा यहाँ पर। ऑल राइट, सो दोस्तों आज का देखो ब्लॉग का शुरुआत अभी हम लोग कर रहे हैं हैदराबाद के ऑटो से, और थोड़ी देर पहले ही हम लोग जस्ट अभी वंदे भारत से आए हैं हैदराबाद, और अभी हम लोग निकल रहे हैं हुसैन सागर लेक के लिए। वहाँ लाइटिंग दिखाने के लिए भी जा रहे हैं, और हैदराबाद का आप लोग ट्रैफिक देखो भाई, अभी जस्ट हम लोग निकले ऑटो से और एक पूरा रास्ता भी जाम है। रात का आप लोग बोल सकते हो अभी 9:38 हो रहा है, और फिलहाल अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं सबसे पहले हुसैन सागर लेक। फिलहाल आज तो कुछ लोकेशन हम लोग एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी रात को हम लोग आए हैं यहाँ पर, कल देखते हैं हम लोग कहाँ जा पाते हैं। फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं हुसैन सागर लेक, जो कि 7 बजे से 10 बजे तक उसका लाइटिंग शो होता है, और अभी हम लोग फिलहाल वहीं के लिए निकल रहे हैं। तो चलो एक ही बार वहाँ पहुँचते। सो गाइस देख सकते हैं अभी हम लोग पहुँच चुके हैं, ये हुसैन सागर लेक है और इंडियन फ्लैग वहाँ पर लगा है। काफ़ी अच्छा है यहाँ का रास्ता, आप लोग देखो हम लोग ऑटो से जा रहे हैं, और रोड्स भी भाई बहुत क्लीन है, बहुत क्लीन। बट भाई जैम जो है ना, सच बता ऐसा लग रहा है भाई दिल्ली में हम लोग हैं। सो गाइस देख सकते हो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं हैदराबाद की सड़कों पर, और यहाँ पर भाई क्या मस्त चहल पहल है, और सामने एक तो पता नहीं क्या पैलेस टाइप का ये बना है, और सुनने में आया कि इसका 1 तारीख को ओपनिंग है। अभी मस्त लाइट शो हो रहा था, जस्ट थोड़ी देर पहले ही बंद हो गया। जैसे ही हम लोग यहाँ पर पहुँचे हम लोग देखे भाई लाइट शो जो है वो बंद हो गया, बट क्या करें टाइम भी हो गया ना भाई, 10 ऑलरेडी बज चुका है। तो फिलहाल थोड़ा बहुत यहाँ घूमते हैं, उसके बाद देखते हैं कोई बढ़िया से जगह जहाँ यहाँ का जो फेमस है, क्या है अनु यहाँ का फेमस? ऑब्वियसली भाई अगर हम लोग हैदराबाद आए हैं तो हैदराबादी बिरयानी ट्राई किए बिना भाई कैसे हम लोग जा सकते हैं। सो देखते हैं भाई थोड़ा बहुत यहाँ से हम लोग एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं क्या है यहाँ पर, और उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे कोई बढ़िया से जगह में। तो मेरे सामने आप लोग ये जो बिल्डिंग देख रहे हो ये है कुछ गवर्नमेंट का ऑफिस बिल्डिंग बन रहा है, उसका 1 तारीख को इनॉग्रेशन था, इसीलिए यहाँ पर इतना ज़्यादा क्राउड था। और रास्ता आप लोग को देख के तो लग रहा होगा भाई कितना ज़्यादा क्राउडेड रास्ता है, बट हम लोग यहाँ से अभी ऑटो लेते हैं, जा रहे हैं सबसे पहले पैराडाइज, जो कि वहाँ पर बहुत ही अच्छा हैदराबादी बिरयानी मिलता है। ऑल राइट गाइस, तो देख सकते हैं अभी हम लोग आ चुके हैं हैदराबाद के वन ऑफ द फेमस रेस्टोरेंट यानी कि पैराडाइज बिरयानी, और ये भाई वर्ल्ड फेमस बिरयानी यहाँ पर मिलता है, और लोग भाई दूर दूर से मतलब वर्ल्ड वाइड लोग यहाँ पर आते हैं इसको ट्राई करने के लिए। जितने लोग से भी हम लोगों ने पूछा सब लोग भाई एक ही जगह रिकमेंड कर रहे थे पैराडाइज, और ऑटो वाले भैया भी हम लोग को ला के यहाँ छोड़ दिए मेन मार्केट में, सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन जस्ट यहाँ से बगल में 1 किलोमीटर के लगभग होगा, और वहीं पर अभी हम लोग आ चुके हैं। और भाई बाहर में इनका जो टैगलाइन है ना वर्ल्ड फेवरेट बिरयानी, वो यहाँ पे मिलता है, तो हैदराबादी बिरयानी हम लोग ऑर्डर करेंगे और देखते हैं कैसा क्या मिलता है। चिकन बिरयानी हम लोग ऑर्डर करेंगे और कितना पीस मिलता है क्या मिलता है सारा एक बार आ जाता है प्लेट में, तो फिर आप लोग को दिखाते हैं। आप लोग को दिखाना चाहेंगे अभी 10:30 बज रहा है, लेकिन भाई लोगों का भीड़ आप लोग देखो भाई वैसे का वैसा ही है। आज का ये जो है ना पूरा फूड ब्लॉग रहने वाला है, क्योंकि आज ज़्यादा लोकेशन हम लोग कवर नहीं कर पाए, ऑलरेडी जो अपना वंदे भारत था वो काफ़ी लेट हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा ब्लॉग, तो उसी के वजह से हम लोग और कोई प्लेसेस हम लोग कवर कर ही नहीं पाए। एक बार बिरयानी ऑर्डर करते हैं, आता है फिर आप लोग को दिखाते हैं। देख सकते भाई ये पैराडाइज का मेन्यू अभी हम लोग दिखा रहे हैं, और सबसे पहले जो है ये रॉयल चिकन बिरयानी। प्राइस तो भाई देखकर ठीक ही लग रहा है। हाँ अनु यहाँ पर आई है हैदराबाद में और ये ट्राई की है, कैसा है यहाँ का बिरयानी, कैसा होता है? अच्छा होता है ना, तो भी रिकमेंड की थी कि भाई यहाँ पर आओ और यहाँ पर भाई बिरयानी ट्राई करते हैं। तो ये देखो बिरयानी का आप लोग प्राइस देख लो, रॉयल चिकन बिरयानी 249, तेरी बिरयानी रॉयल मटन बिरयानी, निज़ामी चिकन बिरयानी, बहुत तरह इनका बिरयानी का ऑप्शन है, ज़्यादा बिरयानी है नहीं बस इतना आप लोग देखो। फिर इसके बाद कबाब आइटम्स है, ये देखो ये है कबाब आइटम इनका, तो हम लोग ने स्पेशल ऑर्डर किया ना बिरयानी। जर्नी वंदे भारत में बनू एकदम बेकार था ना, मतलब इतना ज़्यादा लेट था, मतलब 5 घंटा भाई डिले हुआ अपना वंदे भारत, सोच सकते भाई इतना प्रीमियम ट्रेन और इतना लेट हुआ, ये एक्सपेक्ट नहीं हम लोग किए नहीं थे भाई वंदे भारत से, बट क्या करते हैं भाई कभी कभार ऐसा हो जाता है। तो चलो भाई अपना बिरयानी आता है टेबल पर, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। और स्पेशल हम लोग ने चिकन बिरयानी ऑर्डर किया है, प्राइस है 549, तो चलो इसमें है नहीं, लेकिन अगर आप लोग बोलोगे स्पेशल बनाने तो स्पेशल बना के भी यहाँ पर आप लोग को सर्व कर दिया जाता है टेबल पर, लेकिन यहाँ मेन्यू पर स्पेशल नहीं लिखा हुआ है। देखो भाई जो आप लोग बिरयानी यहाँ पर मिलता है ना वो उसके साथ आपको एक चिकन मिलता है भाई यहाँ पर, लेकिन आलू नहीं है अनु, आलू मिस करेंगे हम लोग, लेकिन ना आलू यहाँ पे नहीं मिलता है ना, तो यहाँ पर भाई आलू आपको नहीं मिलेगा। तो आप लोगों को बोल रहे थे ना यहाँ पर आपको रायता मिलेगा बिरयानी के साथ, और ये सलन मिर्ची का सलन सैलेड है, ये फर्स्ट टाइम हम लोग ट्राई करने वाले हैदराबादी बिरयानी, कहेंगे हैदराबादी बिरयानी उसके साथ रायता और सलन, वो भी फर्स्ट टाइम हम लोग ट्राई करने वाले, तो कैसा क्या होता है कैसा टेस्ट लगता है
वो तो भाई फर्स्ट टाइम ही हम एक्सपीरियंस करेंगे, आप लोग से शेयर करेंगे। अगर आप लोग किए हैं, अगर आप लोग ने ट्राई किया है यहाँ पर आकर, तो ज़रूर से कमेंट में आप लोग बताना कि कैसा लगा आप लोगों को। सो गाइस देख सकते हैं फाइनली अपना जो है हैदराबादी बिरयानी आ गया। अनु कैसा लग रहा है? और एक इस तरह का भाई ऐसा आपको मिलता है, और हम लोग ने स्पेशल लिया भाई राइस का। आप लोग क्वांटिटी देखो, अभी हम लोग यहाँ पर ले लिए प्लेट में, और अभी भी इसके अंदर अभी भी बचा हुआ है भाई। क्वांटिटी अच्छा देता है इसमें। हाँ, और उसके साथ रायता, सलन और यहाँ सैलेड। तो चलो भाई ट्राई करके आपको बताते हैं ये हैदराबादी बिरयानी कैसा है। ऑलराइट गाइस, तो चलिए अपना जो बिरयानी है वो आ चुका अपने प्लेट पर, और चल के आपको बाइट लेके, फर्स्ट बाइट लेके दिखाते हैं कि कैसा ये टेस्ट करता है। कुछ देखो भाई, इस तरह का फ्लेवर्ड राइस है ये। और सबसे पहले ये सूखा राइस को हम लोग ट्राई करते हैं और कैसा है वो आपको बताएंगे। पहला जो भाई फ्लेवर है ना राइस का, अलग ही भाई। ना इसमें आलू लगेगा, ना इसमें सलन लगेगा, ना ही रायता, ना ही सैलेड, कुछ नहीं लगेगा भाई। ऐसे ही हम लोग खा लेंगे। अब चिकन को ट्राई करके देखते हैं भाई कैसा है। चिकन सॉफ्ट है, काफ़ी सॉफ्ट है। चिकन से आप ट्राई करते हैं भाई, ऐसे ही भाई फेमस नहीं है इतना। सलन से भी ट्राई करते हैं, सलन से कैसा लगता है, क्योंकि लोग यहाँ पे सलन से भी बहुत ट्राई कर रहे हैं। थोड़ा खट्टा खट्टा लग रहा है, पर ये पत्ता का फ्लेवर आ रहा है, लेकिन मेरे को सलन से नहीं, ऐसे ही बढ़िया लग रहा है। ऐसे ही सूखा राइस लो, चिकन लो और खाओ भाई। क्वांटिटी आप लोग को दिखाना चाहेंगे, अभी हम लोग प्लेट में इतना ले लिए, बट यहाँ पर आप लोग देखो अभी भी इसमें इतना राइस है। तो सोच सकते हो भाई कितना अच्छा क्वांटिटी दिया है। और हम लोगों ने लिया स्पेशल बिरयानी, जिसमें आपको दो पीस मिलता है चिकन। तो चलो अब अनु ट्राई करके बताएगी कैसा उसको लगता है। कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। हैदराबाद में तो बिरयानी नहीं खाता, यहाँ आना वेस्ट हो जाएगा। और खासकर पैराडाइज का बिरयानी तो बहुत मिलेगा, लेकिन इस तरह का भाई बिरयानी यहाँ पे नहीं मिलेगा। सच बता रहे, जो हम खाएं अभी राइस में भाई कुछ नहीं लगेगा भाई। चिकन भी इतना सॉफ्ट है, क्वांटिटी भाई दो लोगों के लिए भाई इनफ है, इनफ से भी ज़्यादा है। इसमें दो लोग का क्या, तीन लोग खा लेंगे इसमें। हाँ, आराम से तीन लोग खा लेंगे भाई। नहीं मेरे को सलन का ज़रूरत है, नहीं सैलेड और नहीं रायता। रायता लास्ट में खा लेंगे, लेकिन ऐसे ही राइस बहुत फ्लेवर्ड है। अच्छा था तुम्हारा रिकमेंडेशन, अच्छा था। चलो भाई खाते हैं, सब फिनिश करते हैं, उसके बाद फिर आप लोग से मिलते हैं। इस राइस इतना सॉफ्ट है ना भाई, मुंह में डालने से भाई एकदम घुल जा रहा है, एकदम पिघल जा रहा है। इतना सॉफ्ट, इतना फ्लेवर्ड राइस है, और चिकन भी भाई एकदम सॉफ्ट है। देखो बहुत मस्त है भाई। लोकेशन आप लोगों को दे देंगे यहाँ का, आप लोग ज़रूर आना है यहाँ पर, बेस्ट है भाई, बेस्ट। और कितना अच्छा हंडी में दिया है आपको देखो। और ये बिरयानी एकदम फ्लेवर्ड है भाई, बहुत फ्लेवर्ड राइस है। चिकन का भी बहुत अच्छा मसाला लग रहा है ना, आलू का। सच में हमको पहले लगा कि आलू का ज़रूरत लगेगा, लेकिन भाई एक बार जब ट्राई किए ना हम राइस के साथ, भाई कुछ नहीं ज़रूरत लगेगा। चलो भाई देखते हैं हम लोग क्या ऑर्डर करते हैं इसके बाद। वैसे तो कुछ मन नहीं कर रहा है, अभी यही सब फिनिश करेंगे, उसके बाद फिर बाहर निकलते हैं, फिर आप लोग से मिलते हैं। सो देख सकते हो ये सब बड़े बड़े हस्तियाँ लोग यहाँ पर आए थे बिरयानी ट्राई करने के लिए। और सचिन तेंदुलकर ने देखो क्या लिखा है, सिंपली डिलीशियस। आमिर खान, सचिन तेंदुलकर, सलमान खान, भाई सब बड़ा बड़ा हस्ती लोग यहाँ पर आके भाई इनका बिरयानी ट्राई किया है। और सच में भाई बहुत ही अच्छा था, आप लोग भी ज़रूर आना अगर हैदराबाद आप लोग आते हो तो, यहाँ का बिरयानी ज़रूर ट्राई करना। राइट, सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं हैदराबाद के वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक प्लेसेस में। अभी हम लोग है चार मीनार, और यहाँ पर भाई आप लोग देख सकते हो भाई
जैसे हम लोग के कोलकाता में भाई स्प्लेनेट मार्केट पूरा लगता है ना भाई, पूरा है वैसा ही मार्केट है पूरा यहाँ पर। और शॉपिंग करने के लिए तो भाई ये बेस्ट जगह है, अगर आप लोग शॉपिंग करने आ रहे हो कि चार मीनार विजिट करने के लिए, तो भाई यहाँ पर आप लोगों को ढेर सारा आइटम्स मिल जाएगा। और भीड़ भाई आप लोग देखो, शाम का भी टाइम है और टाइम आप लोग देखो अभी 6 बज रहा है यहाँ पर। तो चलते भाई आपको यहाँ पर विजिट कराते हैं। ये देखो चार मीनार है सामने, और अभी एकदम शाम को ब्लॉग का शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था ब्लॉग, और कल आप लोग गए थे वहाँ पे। यहाँ चार मीनार है और यहाँ पर मस्जिद है, तो देखो मस्जिद के बाहर भाई कितना भीड़ है यहाँ पे। तो शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए भाई यहाँ पर आप लोग देखो ढेर सारा ऑप्शन है, वेदर भी काफ़ी अच्छा हो रखा है यहाँ पे। चलते भाई, बहुत भीड़ है, आगे चलते फिर आप लोग से मिलते। तो देख सकते मेरे पीछे अभी हम लोग आ चुके हैं चार मीनार में, और आज का ब्लॉग का शुरुआत अभी हम लोग कर रहे हैं यहाँ चार मीनार से। और ब्लॉग का शुरुआत काफ़ी लेट हो रहा है, और कल जो था हम लोग वही गए थे पैराडाइज में, और उसके बाद ब्लॉग ज़्यादा बड़ा था नहीं, इसलिए हम लोग कम्प्लीट नहीं कर पाए उसको, एंड नहीं किए। इसलिए आज अभी शाम को यहाँ पीछे मेरे आप लोग देख सकते हैं चार मीनार, और क्या मस्त वेदर हो रखा है। और अभी हम लोग आए यहाँ निमराह कैफ़े एंड बेकरी बोल कर, काफ़ी अच्छा यहाँ पर ईरानी चाय मिलता है, तो चल के भाई आपको टेस्ट करके दिखाएंगे। और ये देखो आइकॉनिक ये मस्त चार मीनार, और अभी हम लोग चल रहे हैं वहाँ निमराह कैफ़े एंड बेकरी में ईरानी चाय। तो ये है निमराह कैफ़े एंड बेकरी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट शॉप्स जो चार मीनार में है। काफ़ी अच्छा यहाँ पर जो है ईरानी चाय मिलता है, और यहाँ का जो फेमस उस्मानी बिस्किट जो है ना वो भी यहीं पर मिलता है। भीड़ आप लोग देख के अंदाज़ा लग ही रहा होगा कि भाई कितना ही फेमस है ये। तो चलते हैं फटाफट से लेते हैं ईरानी चाय और उस्मानी बिस्किट, फिर आप लोग से मिलते हैं। और भाई भीड़ देखो यहाँ पर भाई, रिव्यू बनने वाला नहीं है, कैसा चाय है पी लेंगे फिर आप लोग को बाद में बता देंगे कि कैसा चाय है। रिव्यू करने लायक यहाँ पर जगह भी नहीं है, और भीड़ आप लोग देखो फटाफट से ले रहे हैं यहाँ से चाय पी के, फिर आप लोग से बताएंगे कैसा। सो दोस्तों अभी हम लोग ट्राई किए ये उस्मानिया बिस्किट और ईरानी चाय, मतलब क्या चाय है भाई, इतना ज़्यादा गाढ़ा फ्लेवर चाय, मतलब अलग ही फ्लेवर है भाई इसका। अगर आप लोग चाय लवर हो ज़रूर यहाँ पर आके चाय ट्राई करना।